शेर सिंह भैया का आप लोग स्वागत करते हैं। शेर सिंह का स्वागत करें सकल देखो। जय हो। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दें भैया, पुनः जोरदार तालियां बजा दें दिल से। धन्यवाद। मारो कंठ पे वाजा। परम आदरणीय जनता जनार्दन, दूर दराज से पधारे हुए समस्त रसिया प्रेमी, आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले परम वंदनीय भैया शेर सिंह जी, और आप कार्यक्रम करा रहे हैं तो आपको आशीर्वाद देने वाले जितने भी यहाँ के बुजुर्ग हैं, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई काम इस दुनिया में न कभी हुआ और न कभी होता है। उन सभी का, जो भी महानुभाव मंच पर बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, सामने वाले अखाड़े में मुझसे जो बड़े हैं उन सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आदरणीय संजय चाचा जी को नमन बंदन प्रणाम करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्वप्रथम अपने छोटे से अखाड़े अखाड़ा विप्र स्वर्गीय लाला श्री चंदोमल जी की तरफ से आप सभी के चरणों में बार बार अपना सर रखते हुए आपको नमन करता हूं, आपको बार बार आपका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने प्रथम चक्र सुना है आटे वालों का। भाई ने कहा कि रसिया कल भी सुने थे। भैया शेर सिंह जी की तरफ से ये आशीर्वाद है, मैं नमन कर रहा हूं। रसिया कल भी सुने थे और छंद आज भी सुनोगे, पर कल जो हुआ था वो आज होगा नहीं, क्योंकि कल जो छंद हुआ शायद तुम्हारे सर से, लेकिन तुम्हारा छंद इधर से नहीं निकलेगा। चार कहानी तुमने गाई है जिसमें पैर धोए गए, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन असल असल होती है नकल। क्यों कह रहा हूं मैं? बली के कारण तीन पैर में तीन लोग को नापा है। अब यहां सभी विद्वान हैं, बली ने तीन लोगों को तीन पैर में नहीं नापा, दो पग में तीनों लोगों को नाप लिया, और तीसरा पग भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे बली, दो पैर पग में तो मैंने सब लोगों को नाप लिया, अब ये तीसरा पैर कहां रखूं? तब कहा बली ने, महाराज दानी, दानी बड़ा होता है, दान छोटा होता है। अब तक आपने मेरे द्वारा कमाई हुई संपत्ति को नापा है, अब तीसरा पैर मेरे मस्तिष्क पर रखो। तो भगवान ने तीसरा पैर बलि के मस्तिष्क पर रखा था, तीन लोगों में नहीं नापा, वो दो पैरों में नापा। लेकिन कहूं तो पल्ले परो जैसो परो वैसे परो। खैर ठीक है, अच्छा है। अब मेरी ओर से सुनेंगे आप लोग। हाँ जी महाराज, शुरू। अब मेरे गुरुवर कभी आपकी याद एक रसिया गाया कि हैगो पर चुनाव को ऐलान, उसमें 3 नाम लिए और उसके बाद में एक प्रश्न भी किया था कि तुम मुझे ससुर लगो कि तुम भैया लगो। कोशिश करूंगा अपनी ओर से। अंत में एक गीत इतना बढ़िया गाया, ऐसी मारी दारी मोहड़ो फार पड़ी है भाई। अरे बड़ी बुद्धि खर्च होते हैं ऐसे गीत लिखे हुए में, जो ही लिखे जाते हैं ये मान लो। देखो ऐसी मारी दारी मोहड़ो फार पड़ी है, और यहाँ लेखक भी मौजूद है। फिर अंगिया फार परी है, ऐसे ही फातर और रात भर भैया। बढ़िया, कोशिश करूंगा अपनी ओर से। क्या करें साहब, ये व्यवस्था है अपनी। अब ये आज रसिया होंगे मर्यादा भरे, यहां से मेरा छंद शुरू हो रहा है। भैया मुकेश जी नाल वादक जो हमारे बड़े भैया हैं, सेवा से सब कुछ मिले अगर सच्चा हो मन का भाव। अच्छी बात है, जो मांगो वो ही मिले कोई हो लेने का चाव। तो मेरा कहना क्या है, भर का अगर आदरणीय किशन गुरु मैं फिर कह रहा हूं पूरा लिखना पहले। भर कागर जिया खिले कि कोई भर कागर और ये जिया खिले, अब ये भर कागर जिया खिले सागर में गहरा पानी और ये जीवन की नाव पुरानी। तब कहना है कि भर कागर जिया खिले जब लगे भाव को ताव, अरे वो भव सागर जल में हिले तेरी बहुत पुरानी। पहली कहानी संजय चाचा। अरे देख ब्रह्मा अब सुनू, अरे वो ब्रह्मा अब सुनू और त्रिपुरारी कि कोई ब्रह्मा अब सुनू और त्रिपुरारी, अरे ना सत्य का आशय भापा है कि कोई ब्रह्मा अब सुनू और अरे ना सत्य का आसे भापा है। अरे डॉक्टर साहब जुकड़ी आई थी, 3 लोग को नापा है और देख के जग कांपा है। देवी भागवत से ये प्रसंग में ले रहा हूं। अरे देख ब्रह्मा अब सुनू और सत्य का आशय भापा है और तीनों देव, अरे तीनों देव मैया ने बनाए गए नारी, इन तीनों के बल को मापा है। सत्य के पैर धोए आदि सत्य के पैर धोए आदि सत्य के पैर गर्दन डाले धोए आदि सत्य के पैर। आदमी अंकल जी 501 रुपए का आशीर्वाद दे गए, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रविंद्र सिंह पहलवान जी जो एक उम्मीदवार भी हैं और बंसी वाला इनकी उम्मीद पूरी करे, मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। सत्युग की कहानी, अब आइए त्रेता। अरे देख दर्शन किए, आपने छंद में पहले गाया ब्रह्मा ने पैर धोया और दूसरी कहानी में आपने गाया केवट ने भगवान राम के पैर धोए। अब मैं दूसरी कहानी त्रेता की कौन सी दे रहा हूं। अरे देख दर्शन किए अब तो धाम ने कि कोई दर्शन किए, अरे अब तो धाम ने तब सबके ईमान बढ़ाए हैं, अरे तो सबके ईमान बढ़ाए हैं। और तालियां, मेरा ऐसा मानना है जब लाइन सटीक आती है तो तालियां स्वयं बच जाती हैं। अरे वो सबके मान बढ़ाए हैं और धोए धोए वशिष्ठ के पैर राम ने और चरण पोष चढ़ाए हैं, ओए वशिष्ठ के पैर राम ने चरण पुष्प चढ़ाए। तुलसी कृत रामायण में साफ साफ चौपाई भी है। अरे देखे ठाड़ी वो तीनों भैया भरत से भैया, देखे लखन भरत से भैया, रे देखे लखन भरत से भैया करदन पार। भैया मुकेश जी काफिया नोट करवा लीजिए। पहला काफिया है धोए आदि शक्ति के पैर गर्दन डार खड़े। और दूसरा है देखें लखन भरत से भैया परदन पार खड़े। आप लोग कहें तो एक वो चल लो जी मोड़ो फार गई है जवाब दे दो जाए। अच्छा हाथ खड़ो करके बताओ दे दो जाए जवाब। बिल्कुल दे कुमार साहब। दो तीन बार आ जाते हैं तक। शेर सिंह जी के भ्राता जी हैं 501 रुपए देकर गए। मैं चाहूंगा इनका भी आप लोग तालियां बजा के अभिनंदन करें। बेटा अरे ठंडे ठंडे अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बेटा जमाना है पर गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। भैया मुकेश जी ने उनसे गीत गाया। जय हो संजय चाचा जी। ऐसी मारी तारी मोहड़ो फार पड़ी है। अरे ऐसी मारी तारी मोहड़ो फार पड़ी है। ऐसी मारी तारी मोहड़ो फार पड़ी है। एक विशेष पुरस्कार हमारी छोटी बहन की ओर से है कशिश। देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी छोटी बहन जिसको गूगल ने सिल्वर मेडल से पुरस्कृत किया है और उस छोटी बहन ने इस भाई के लिए जो वहां से सम्मान आया है वो सम्मान उसने इस भाई के लिए भेजा है। तो मैं उस बिटिया के चरणों में यहीं से नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से भी कहूंगा कि तालियां बजा करके हमारी कशिश बहन का स्वागत करें। वरना सीन की आवश्यकता नहीं। बदलाव लाने की जरूरत है रसियाबाजी में। क्या मरी पूतना मरो पूतना हम इसके बल को तोलेंगे। अरे मरी पूतना मरो पूतना इसके बल को तोलेंगे। मरी पूतना मरो पूतना इसके बल को तोलेंगे। कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है, लड़ाई तो केवल शब्दों की है। के मरी पूतना मरो पूतना इसके बल पर आशीर्वाद है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आपने गा दिया मोड़ा फार परी है। ये गुरुदेव की ओर से हम नाचीज बच्चों को ये इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। आप भी तालियों में कंजूसी न करें, मेरा निवेदन है। आया अरे हाथ भर की जीव ये निकार परी है। ये तो आपका गाना बजाना था कि मोहड़ो भार परी है कि अंगिया भार परी है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मेरी नजर में आखिर ये पूतना है क्या और ये आखिर ये क्या खेल था? जानने वाले जानते हैं ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बली की पुत्री रत्नमाला, भगवान वामन जब गए तो इसने देखा, मोहित हो गई छोटे से भगवान को देख करके, और मन ही मन उसने विचार किया कि काश ऐसा पुत्र मेरा हो। तो भगवान ने वही उसे कह दिया कि जा, तुझे मैं मां का दर्जा दूंगा। वही पूतना बन करके आई तो भगवान कन्हैया ने उसका स्तनपान किया और उसे मां का दर्जा दे करके उसको भवसागर हो। बहुत सुंदर। रसिया वाले कह देते हैं जीव निकार परी है, मेरा कहना क्या है? पर गईया नीचे कन्हैया के तो जब पूरी युक्ति है गई है। पर गईया नीचे कन्हैया के तो ये पूरी युक्ति है गई है। पर गई है नीचे कन्हैया के तो ये पूरी युक्ति है गई है। पूरी युक्ति है गई है। माँ को दर्जा मिल गयो जाकी भव से मुक्ति है गई है। अरे माँ को दर्जा मिल गयो जाकी भव से मुक्ति है गई है। माँ का दर्जा मिल गयो जाकी भव से मुक्ति है गई है। आदरणीय खान साहब की ओर से 51 रुपए आए। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप अभिनंदन करें। अरे पिछले जन्म की कर बातें, पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। अरे पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। और दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी, और अगर जवाब में आनंद आ जाए तो मैं भी आपका बच्चा हूं। आप लोगों से तालियों का आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। ये दृश्य क्या बनना है? अरे पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। चाचा भैया बंदुशुमार परी है। और अगली लाइन क्या कह रही है? पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। अपने अंग संग में लेके नंद कुमार, अपने अंग संग में लेके नंद कुमार परी है। रसिया बारे उन्हें बदल जाओ, इन्हें ढंगते रसिया को सुनतू नहीं। मोड़ो फार परी है। पिछले जन्म की बातें, हाँ पिछले जन्म की बातें बंदुशुमार परी है। अपने अंग संग में लेके नंद कुमार परी है। अब बात बात क्या है? बंध गई है प्रीत की डोरी, बंध गई है प्रीत की डोरी। और आप लोग पहले बोलोगे बंध गई है प्रीत की डोरी, ये तो राजा बली की छोरी। बंध गई है प्रीत की डोरी, ये तो राजा बली की छोरी। जाने कब ते करी प्रतीक्षा जाकी है गई पूरी, जाने कब ते करी प्रतीक्षा जाकी है गई पूरी इच्छा। जो तो मन के भाव मिलावे, जो तो मन के भाव मिलावे। और कैसा मुकद्दर है? मन के भाव मिलावे, ये तो मन के भाव मिलावे। ये तो कृष्ण को दूध पिलावे, ये तो कृष्ण को दूध पिलावे, ये तो कृष्ण को दूध पिलावे। अरे काट के जाची बन के, अरे काट के जाची बन के फंदुक मार परी है। अरे काट भी कुछ लिखा पढ़ी में महत्व है, बंद सुमार पढ़ी है और अंग संग में लेके नंद कुमार पड़ी है। घाट के काट के जा जीवन के फंद खुमार पड़ी है, और अपने अंग संग में लेके नंद कुमार पड़ी है, अंग संग में लेके नंद कुमार पड़ी है। किसके पैर धो रहा है? अरे चले मिलाने वो दो कुल को, और जब अंधेरी छाई है ये चले मिलाने और वो दो कुल को, कोई जब अंधेरी छाई है। डॉक्टर साहब ये पैर धुलवा रहे थे सुदामा जी के, अब द्वापर नहीं मैं किसके धुलवा रहा हूं। अरे चले मिलाने वो तो पुलकू, जब अंधेरी छाई है, और आप लोग स्वयं बोलोगे जब अंधेरी छाई है, और ले वसुदेव जब चले वो पुलकू, तो उमड़ के जमुना आई है। अरे उन पे दृष्टि डाले जमुना उन पे, बुढ़ाने वाले। चलिए वो उनका प्यार है, मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप आशीर्वाद दे दें उनको भी। और एक बात और गाई थी मां साहब, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास जब रहती हो जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो। बेटा मीठी प्यास से अलग हट जाने, कह रहे हैं गाने वाले कल रात देखा था मैंने अपने ख्वाबों में, जैसे ढूंढ रही थी मैं तुम प्यार हो जीवन में, जैसे ढूंढ रही थी मैं तुम प्यार हो जीवन में, जैसे ढूंढ रही थी मैं तुम प्यार हो जीवन में। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अरे जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पहले मेरा रसिया दंगल मुकेश भाई आपसे हुआ था ललूराम उस्ताद के दरवाजे पर, यही प्रश्न आपने वहां गाया था और गाया था, मैंने जवाब भी दिया था, लेकिन फिर आप गा रहे हैं और आपने वो गलती सुधारी नहीं। गलती क्या थी? हाँ, ये बात मुकेश मानने वाली। पहली बार जीवन में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, पहली बार तुमने कोई बात सही कही है भाई। वो ये कह रहे हैं कि मेरी गलती तो रही है, वो गुरुजी लिख ही नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और ये हकीकत भी है। तालियां बजा के आप लोग अभिनंदन करें मुकेश भाई की बात का। रिश्तों पे नौबत जब आई तो वो बिजली जैसी कड़की थी, रिश्तों पे नौबत जब आई वो बिजली जैसी कड़की थी, रिश्तों पे नौबत जब आई वो बिजली जैसी कड़की थी। और यही गलती वहां थी, अब मैं फिर कह रहा हूं वो बिजली जैसी कड़की थी। रो रही राख पे ढेरन पे वो एक नहीं दो लड़की, रो रही राख पे ढेरन पे वो एक नहीं दो लड़की थी। अब वो लड़की कौन कौन है? आप लोग सभी विद्वान हैं, समझदार हैं। पहली है देवयानी, देवयानी जो कि कच्छ से विवाह करना चाहती है, उसी चक्कर में कच्छ भी भस्म हुए और शुक्राचार्य भी भस्म हुए। अब दोनों भस्म हो गए, अब ढेर बना पड़ा है। और उधर है पारासर, और पारासर की कन्या सत्यवती जिसके साथ स्वयं उन्होंने भोग किया। और जब कोई पिता अपनी बेटी के साथ भोग कर ले तो वो बेटी अपनी माँ से सौत का रिश्ता भी बना लेगी, क्योंकि जब पिता ने उसका उपभोग कर लिया तो सौत बन जाएगा। और उधर क्योंकि गुरु का शिष्य है, उधर बेटी है तो रिश्ता हो गया बहन भाई का। और जब उस पर मोहित होकर शादी की बात हो गई तो पिताजी बन गए ससुर। ऐसा बन गए कि ना बन गए? इसलिए कहना क्या है, अब वो कह रही है कि अगर ये रिश्ता बन जाता तो सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये होती, देख दिल में पश्चाताप अगर वो कर जाते, अरे दिल में पश्चाताप अगर वो कर जाते। और केवल दो लाइन में मुकेश भाई आपकी बात का जवाब हो रहा है, दिल में पश्चाताप अगर वो कर जाते। हाजी भैया सामने वाले हो, और अगर इन लोगों के बीच में ये रिश्ता सिद्ध हो जाता तो क्या होता? अगर बाप को ससुर बनना पड़ता तो क्या होता? देख, मन में पश्चाताप अगर वो कर जाते हो जाता मेल मिलाप, हो जाता मेल मिलाप, शर्म से मर जाते। अगर वो कर जाते के लिए। अब आया कलयुग। कलयुग में कौन किसके पैर धो रहा है? आपने बताया संत नामदेव, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं? अरे देखना अपने, अरे ना अपने ना गैर कुंभ में, कि कोई ना अपने ना गैर कुंभ में, खोए नरेंद्र मोदी ने, अरे खोए नरेंद्र मोदी ने, अरे कोई खोए नरेंद्र मोदी ने। और अगर हकीकत हो तो इस पूरे पंडाल में आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का। अरे भाव खोए नरेंद्र मोदी ने और सफाई कर्मीन के पैर कुंभ में धोए नरेंद्र मोदी ने, धोए नरेंद्र मोदी ने, धोए नरेंद्र मोदी ने। अरे लड़के छंद जो बन जाए, लड़के कह रहे थे क्या क्या मिल जाता है, तो पैर भी धोए और उनको कार्य करने के बदले में डबल डबल राशियां भी प्रदान की गई। अरे लड़के छंद जोश ये जागे और ये मैदान छोड़ के, अरे ये मैदान छोड़ के भागे, अरे मेरे लाला जी के आगे, मेरे लाला जी के आगे, के आगे मर्दन हारे। जैसा भी टूटा फूटा बनना है जवाब देने की। भैया समझ में आ रहा है आप लोगों को? धन्यवाद। कल की तरह तो ना है भैया, चलो अच्छा है, जो गुजर गया उसे भूल जाना चाहिए। अब एक रसिया मेरी ओर से। अब देखिए भैया, जो भी बात है कमेटी वालों को आप बता दीजिए। समय भी देखना है बेटा, क्योंकि टाइम की भी मर्यादा होती है। और वैसे अगर जवाब न दो में गुरु है जातवा नंबर। अब छंद का जवाब हुआ, टुकड़े का जवाब हुआ, गीत का जवाब हुआ। अब एक रसिया और गाया था गांव की प्रधानी का, अब उसका जवाब सुनिए। तीनों ही प्रत्याशियों का नमन बंधन करते हुए शुभकामना देते हुए और शेर सिंह भैया को स्पेशल शुभकामना देते हुए क्या बेटा मायके पकड़ ले। देखो जा बुढ़ाना गांव में चढ़ गए राजनीति को रंग। अरे कोई जीते वो जंग में जाको जनता देगी। अरे कोई जीते वो जंग में जाको जनता देगी सब। अरे जा काम बुढ़ाना की डोरीलाल जी की ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद है। एरे जा काम बुढ़ाना की है अजब निराली शान। एरे जा काम बुढ़ाना की है अजब निराली शान। और सब कह रहे हैं, तीनों जने कह रहे हैं का उधर से कह रहे थे पट्टे ठोक रहे, लेकिन हमारे तीनों प्रत्याशी का कह रहे हैं एरे काम बुढ़ाना की अजब निराली शान। मुँह पे भरे बोटन के थोक, मुँह पे भरे बोटन के थोक रहे। सब कह रहे थोक के थोक मेरे ही है। मुँह पे भरे बोटन के थोक रहे क्यों? श्री ओम प्रकाश जी बेशक रण में। कहाँ है ओम प्रकाश जी? श्री ओम प्रकाश जी बेशक रण में अपने पट्टे ठोको। श्री ओम प्रकाश जी बेशक रण में, श्री ओम प्रकाश जी बेशक रण में अपने पट्टे ठोको, अपने पट्टे ठोको। स्वागत है तुम्हारा। अपने पट्टे ठोको, यो है अगर विकास तो दोबारा जनता देगी मौका, जनता देगी मौका। अरे जनता देगी मौका रे भैया, जनता देगी मौका। यो अगर विकास तो दोबारा जनता देगी मौका। एरे वो फिर से है जाएगी तेरी ताकत की पहचान। जो भर बोटन के थोक रहे, अरे तन मन धन से, अरे तन मन धन से जनता की सेवा। तन मन धन से जनता की सेवा, तन मन धन से जनता की सेवा। ये हर हाल करेंगे, ये हर हाल करेंगे, ये हर हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं शेर सिंह भैया ये हर हाल करेंगे। बाकी जितने काम उन्हें पूरे डोरीलाल करेंगे, डोरीलाल करेंगे। अरे डोरीलाल करेंगे भैया, डोरीलाल करेंगे। काम वो डोरीलाल करेंगे। एरे रखियो रखियो जी नेक अब के न पौधा, अरे एरे रखियो रखियो जी नेक अब के न पौधा। रविंद्र पहलवान जी, आदरणीय ओम प्रकाश प्रधान जी की ओर से ये आशीर्वाद आया है, मैं नमन कर रहा हूं। रविंद्र पहलवान जी फिर से आए, रविंद्र पहलवान जी फिर से आए बनके आज्ञाकारी, रविंद्र पहलवान जी फिर से आए बनके आज्ञाकारी। भोले भाले सीधे सच्चे इन्हें जाने जनता सारी, जाने दुनिया सारी। भोले भाले सीधे सच्चे इन्हें जाने जनता सारी। रे कुड़े गयो रे बोटन को मैदान। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और आपने भी महसूस की होगी मुकेश भाई, पहली बार ऐसा मैं दृश्य देख रहा हूं कि जो प्रत्याशी हैं वो पास पास बैठे हैं और प्रेम से आनंद ले रहे हैं। ये इस गांव की पहचान है, इस गांव की मिट्टी के संस्कार हैं, यहाँ के बड़े बुजुर्गों के दिए गए इस संस्कार को मैं नमन करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं। तालियां बजा के बता रहे हैं तो मेरा कहना क्या है, मेरा भी कहना है, बच्चा हूं मैं भी आपका, मैं भी कुछ कह रहा हूं। क्या प्रेम प्यार से जैसे पीता, अरे ऐसे ही जीवन पीते, तो ऐसा ही जीवन बीते। अरे गले मिले फिर गले मिलेंगे, चाहे कोई हारे कोई जीते, कोई हारे कोई जीते, अरे कोई हारे कोई जीते भैया, कोई हारे कोई जीते। संजय नेताजी कह रहे हैं, इस बात पे खुश होकर दे रहा हूं, यही हमें चाहिए। क्योंकि चाचा जी आज ये राजनीति जो है, मन के मनोरथ मना दे वो राजनीति है, आपस में जंग ठना दे वो राजनीति है, जो जानता नहीं उसको जना दे वो राजनीति है, भाई भाई को दुश्मन बना दे वो राजनीति है। लेकिन इस काम बुढ़ाना में देखो, इस काम बुढ़ाना में देखो, कृपा तो फिर रसिया है रे। अरे शेर सिंह भैया की भी कृपा तो फिर ये रसिया है रे। अरे वो मेरे लाला को, हम मेरे लाला को, मेरे चाचा ये मेरे लाला को, अरे वो मेरे लाला को लल्लू राम करे गुड़गा पूतन के खोके। अभी तक मैंने अपना कुछ नहीं गाया, इनके जवाब दिए। अगर 5 मिनट मिले तो एक गीत रख दूं मैं, गीत में बड़े मन से सुनाना चाह रहा हूं। धुन बजाओ मां साहब, फिल्म राम लखन से, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। हाथ जोड़ के पैर छू करके सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन कर रहा हूं। बात उस समय की है किशन कन्हैया बैठे हुए अपना भजन कर रहे हैं और उनका भजन केवल एक ही होता है राधे 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 जय 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 श्री राधे। तभी रुकमणी महल में आई, हे स्वामी ये किसका भजन कर रहे हो और ये राधा है कौन? रुकमणी प्रश्न कर रही है। प्रभु कौन है ये राधिका कि प्रभु कौन है ये राधिका? प्रभु कौन है ये राधिका? चाचा जी रुकमणी पूछ रही है कौन है ये राधिका तुम जिसके भावों में बहते हो? ये दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती तुम राधा ही राधा। ये दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती तुम राधा ही राधा कहते हो। अब कन्हैया बता रहे हैं कि ये राधा कौन है? जवाब पे आप लोगों ने खूब तालियां बजाइए। अब मैं अपना गीत गा रहा हूं, ये लाइन पसंद आ जाए तो मैं केवल तालियां चाहूंगा। जो ब्रज के अंदर बहती है, और रुक्मणी राधा कौन है मैं बता रहा हूं, राधा है धारा प्रेम की जो ब्रज के अंदर बहती है। मेरे दिल के अंदर एक मंदिर है उस मंदिर में राधा, मेरे दिल के अंदर एक है उस मंदिर में राधा रहती है। उसी दिन से रुक्मणी ने सोच लिया कि इस राधा से मैं मिलूंगी जरूर, और मिलने का वक्त आया तो गर्म दूध का गिलास लेकर के और राधा के पास रुक्मणी पहुंची कि बहन ये दूध पियो। राधा ने कहा बहन जब से कन्हैया व्रत छोड़ के गया है दूध पीना तो बहुत दूर, मैंने तो दूध के दर्शन तक नहीं किए, दूध कैसा होता है? रुक्मणी बोली कि ये प्रसाद कन्हैया ने ही भेजा है। तब राधा बोली अगर कन्हैया ने भेजा है तो दूध क्या जहर भी होता तो भी मैं पी जाती। और हुआ भी यही, वो थी पियोगिन श्याम की वो तो आस में ही जी गई, गर्म दूध रुक्मणी ने दिया उस दूध को राधा पी। ओ गर्म दूध रुक्मणी ने दिया उस दूध को राधा पी गई। रुक्मणी ने देखा लात के, रुक्मणी ने जैसा भी मुझसे बनाया मैंने उनके पूरे नंबर का जवाब दिया है। अब मैं केवल गीत रख के जा रहा हूं और आप लोगों को देखना है, इधर से कन्हैया बोल रहे हैं उधर से रुक्मणी जवाब क्या देगी ये आपको देखना है। रुक्मणी ने देखा लौट के तो जाके भी लाले पड़ गए, जाके कन्हैया के छाले भर दूध राधा ने पिया इधर कन्हैया के छाले पड़ गए। जब देखा रुकमणी बोली प्रभु ये क्या हो गया, तो कन्हैया कह रहे हैं उधर गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, ओ राम जी बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया, मेरी नितिया चुराई सुध बुद्ध बिसराई मेरा मुश्किल कर दिया बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। अब कन्हैया कह रहे हैं रुक्मणी तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या? ओ रुक्मणी, ओ रुक्मणी डाली है बाधा प्रेम साधना में डाली है बाधा, ओ रुक्मणी डाली है बाधा प्रेम साधना में डाली है बाधा आराधना में डाली है बाधा प्रेम साधना में डाली है बाधा। और मैं अब कहूँगा नहीं, कहूँगा नहीं, मेरी लाइन आ रही है, तालियां रोक सको तो रोक लेना। ये आराधना में डाली है बात, और रुक्मणी तुम्हारी वजह से दुख से दुखियारी वो तो बिरहा की मारी, दुख से दुखियारी वो तो बिरहा की मारी मेरी प्राणन प्यारी राधा ये डाली है साधना में डाली है बात। बड़े भैया की ओर से ये प्यार लौटाया जा रहा है। पहले बंद में कहा एक प्राण दो तन वो परमात्मा है, राधा हमारी परम आत्मा हो, एक प्राण दो तन परमात्मा है, राधा हमारी अमर आत्मा है। कि मेरा नाम बनवारी जान दुनिया सारी में तो बिन राधा के है बाधा मेरी प्रेम साधना में डाली है बाधा। और चाचा तुम भूल गई रुक्मणी के उपकार तुम पे राधा ने किया है, उपकार तुम पे राधा ने किया है। और जानने वाले जानते हैं उस्ताद, उपकार तुम पे राधा ने किया है, मांग का सिंदूर तुम्हें उसी ने दिया है। मांग का सिंदूर तुम्हें राधा ने दिया है, हर सांस वाले हारी राधा नाम जो पुकारी बान श्याम की काटी ब्याधा, हर नाम बोले हरी राधा श्वास पुकारी बान श्याम की काटी बाधा। बेग अग्नि को भारी चल रही वो बेचारी तूने पैर बहन से साधा, बेग अग्नि को भारी चल रही है बेचारी तूने पैर बहन से साधा। समय को देखते हुए आखिरी बंद। अब रुक्मणी पैरों में गिर गई, क्षमा मांग रही है, क्षमा रही है कि कन्हैया मुझसे गलती हो गई, अब मुझे क्षमा कैसे मिलेगी। तो कन्हैया कह रहे हैं कि मेरा मुजरिम हो तो मैं क्षमा कर दूं। ये हमारे संजय चाचा के लिए एक उपहार है, आदरणीय चाचा जी ग्रहण करें, और मैं चाहूंगा आप भी तालियों से संजय चाचा को उपहार दें। तो बता रहे मेरा मुजरिम होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन राधा के मुजरिम को क्षमा करने की शक्ति तो कन्हैया के अंदर भी नहीं है। इसलिए कहा राधा की शरण में जाओ तुम्हें मान देगी, राधा की शरण में जाओ तुम्हें मान देगी, राधा की शरण में जाओ तुम्हें मान देगी। वो करुणा मई है राधे क्षमा दान दे, अरे राधा की शरण में जाओ तुम्हें मान देगी, करुणा मई है राधे क्षमा दान देगी। भक्ति आराधना जो कर लोगे साधना, संतों की कृपा से संताप कट जाएंगे। रागो और द्वेष हैं जो जीवन में शेष हैं, कर करके माला का जाप कट जाएंगे। अरे भागवत यज्ञ हो भाव सर्वज्ञ हो, विषयों के बाढ़ अपने आप कट जाएंगे। और मैं आप लोगों से फिर तालियां चाहूंगा, आप कट जाएंगे। और वृंदावन जाओगे जो राधे राधे गाओगे, तो कोट कोट जन्मों के पाप कट जाएंगे, कोट कोट जन्मों के पाप कट जाएंगे, कोट कोट जन्मों के पाप कट जाएंगे। करुणामयी है राधे क्षमा दान दे, के रामवीर छवधारी राधा कृष्ण मुरारी, विपिन से प्रीत अगाधा, रामवीर छवधारी राधा कृष्ण मुरारी, विपिन से प्रीत अगाधा। तो डाली है बाधा मेरी आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और भी अखाड़े से जो उस्ताद खलीफा आए हुए हैं, कृपया करके मंच पे आ जाएं और अपना सम्मान पाएं।